भक्ति की वृद्धि करने के लिए जो जो मैंने देखा है ये सब कुछ मैं आपको कहूंगा। उपमन जी ने कैलाश में क्या देखा? स्वयं भगवान शिव जी को देखा है और उनके साथ उनके परिवार को देखा है, भगवान विष्णु जी को देखा है। सबको उपमन्यु जी ने अपनी नेत्रों के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा सब कुछ उपमन्यु जी ने कैलाश में जो देखा है वो मैं कहूंगा। सभी देवगणों को मैंने देखा है और जो मैंने आंखों के द्वारा देखा और मैंने जो अनुभव किया है, हे कृष्ण जी, मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगा। मैंने देखा कि वह पाशुपत तीन फलकों से शोभित शाश्वन, सौंकिका, हेतु और अविनेश्वर और एकदा पादात्मक विशाल दाढ़ों के युक्त और बहुत सारे शस्त्र अस्त्र भगवान शंकर के साथ मैंने बहुत सारे आयुधों को देखा है। इतने इतने मैंने शस्त्रों को देखा है भगवान शंकर जी के पास और उसके गणों के पास कि आधे पल में पूरे ब्रह्मांड का लय कर सकते हैं, ऐसे मैंने आयुधों को देखा है, जो शस्त्र अस्त्र होते हैं। हे कृष्ण, मैंने आंखों के द्वारा देखा है, ऐसे ऐसे मैंने शस्त्र अस्त्र को देखा है। पल का अर्थ होता है जब हमारी आंख झपकती है, ऐसे आधे पल में सब कुछ विनाश कर सकते हैं, ऐसे शस्त्र अस्त्र मैंने शिव जी के पास देखे हैं, शिव जी के साथ देखे हैं, जो कल्प के अंत में विश्व का संहार कर देते हैं, जिसके लिए इस सराचर त्रिलोक्य में कोई भी अवध्य नहीं है। भगवान महेश्वर की भुजाओं से छुटा हुआ वह पाशुपात चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोक को शीघ्र ही आधे पल में दग्ध करने वाले बहुत सारे शस्त्र अस्त्र मैंने देखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कृष्ण जी, जो मैं कुछ आपके समक्ष कह रहा हूँ, जो मैं कुछ आपके समक्ष गाने का प्रयास करता हूँ, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने आंखों के द्वारा देखा है, ये आपके समक्ष मैं कहूंगा। तब से स्थित मैंने रुद्र के समीप विद्यमान अविनाशी गृह शस्त्रों को देखा है, जिसके समान कोई शस्त्र नहीं, उसके बढ़कर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। शिव जी का सभी लोकों में शूल नाम से प्रसिद्ध जो विजयास्तत्र है, कभी निष्फल नहीं होता, ऐसे शस्त्र को मैंने देखा है। उत्तम उग्र को मैंने देखा है। समस्त शस्त्र शास्त्रों को विनाश करने वाले, सब कुछ दुनिया को जलाकर भस्म करने वाले, संपूर्ण पृथ्वी को विदीर्ण कर देने वाले, समुद्र को एक पल में सूखा डालने वाले, ऐसे शस्त्र अस्त्र नक्षत्र मंडल को एक पल में, आधे पल में गिराने वाले ऐसे शस्त्रों को मैंने शिव जी के आसपास देखा है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सब कुछ उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण जी को पहले बताया है। द्वारकाधीश, आप सुनिए। हे कृष्ण जी, तीन फलकों वाला होने से मानो भूहों को तीन जगह से टेढ़ी कर विरोधियों को काटता हुआ और संपूर्ण जगत को जलाता हुआ, ऐसे शस्त्र अस्त्र मैंने आंखों से भगवान शिव जी के साथ देखा है। और भगवान महादेव के पास जो त्रिशूल है, भगवान महादेव जो त्रिशूल को धारण करते हैं, और ये भी मैंने देखा है, सर्प आदि के विभूषित भगवान शंकर के साथ तीक्ष्ण धार वाले बहुत सारे प्रलय काल में अग्नि के समान ऐसे शस्त्र अस्त्र भगवान शंकर जी धारण करते हैं, और जिसके भृगुवंश परशुराम क्षत्रिय शत्रुओं को युद्ध में संहार किया था, शिव जी के द्वारा प्रदत्त और परशु के द्वारा सामर्थ्य आश्रय लेकर प्राचीन काल में परशुराम जी ने उत्साहपूर्वक 21 बार क्षत्रिय समूह को भस्म कर दिया था, और ये परशुराम के पास जो परशु थी वो शंकर भगवान की तपस्या से महादेव ने उनको दिया था, और शंकर भगवान का उनके पास वरदान था, और 21 बार बहुत सारे शत्रुओं को उसने हराया था, जलाकर भस्म कर दिया था। ये सब कुछ मैंने यहाँ कैलाश में मैंने देखा है। बहुत समय से मैं यहाँ शिवलोक में रहता हूँ, निरंतर मैं तपस्या में, मैं ध्यान में रहता हूँ,
और सब कुछ तप और ध्यान के प्रभाव से मैंने यहाँ सब कुछ देखा है। व्यापक स्वरूप वाले हजार मुखों वाले युक्त हजार हजार भुजाओं नेत्रों तथा चरणों वाले करोड़ों सूर्यों के सदृश कांति में त्रिलोकी को भस्म कर देने वाले सामर्थ और पुरुष शरीर धारण करने वाले उपस्थित देव स्वरूप सुदर्शन चक्र को भी मैंने देखा है। भगवान विष्णु जो धारण करते हैं, और हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु के पास जो सुदर्शन चक्र है ये भगवान शिव जी ने